राजधानी लखनऊ गोमती नगर इलाके में रेस्टोरेंट के बाहर स्टंट कर रहे बाइकर को पुलिस ने सबक सिखाया। मॉर्निंग वॉक के समय कुछ ये बाइक स्टंट कर रहे थे बाइकर्स, और स्टंट के चलते बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी। बता दें कि स्टंट बाजों को देखकर जेसीपी पीयूष मोडिया ने कार्रवाई की। स्टंटबाज युवक एसिड अटैक के से पीड़ित युवतियों के द्वारा चलाई जा रही एक रेस्टोरेंट के सामने स्टंटबाजी कर रहे थे, शोर शराबा कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने स्टंटबाजों पर कार्रवाई की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ के विशेष संवाददाता शुभकांत श्रीवास्तव ने एसिड अटैक से पीड़िताओं से बातचीत की है, और सुनिए क्या कुछ पीड़ित लड़कियों ने कहा है। ये कहेंगे कि दिखाने की कोशिश करें, ये सिरोज कैफे है जो समाजवादी पार्टी ने इस जमीन को एसिड अटैक से पीड़ित जो लड़कियां थीं उनको दिया था, और इसको एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है सिर्फ उन लड़कियों के लिए कि यहां पे वो अपना कैफे खोलें और अपनी रोजी रोटी इसी कैफे से चलाएं। कैसा माहौल है, किस तरह का है कुछ? हाँ देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे इंडिया में कुछ ना कुछ टूर पे लोग जाया करते हैं, इसी तरह ये स्टंट वाले बच्चे नहीं थे, ये बाइकर्स थे, ये टूर करते हैं जगह जगह पर। तो उन्हें मेरा रेस्टोरेंट दिखा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेस्टोरेंट खुलने का टाइमिंग है वो 10:30 का है, तो यहाँ पे बच्चे झाड़ू लगा रहे थे, इसमें 4-5 आगे उधर जो आपने सर बताया वो गुजर रहे थे। तो एक्चुअली उनकी जो बाइक थी बड़ी हैवी थी, उसकी वजह से उनका जो आवाज़ थी तेज हो गई। तो पुलिस प्रशासन ने अपना बहुत अच्छा काम किया, मैं उनकी भी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने भी समझाया किस तरह से आप लोग हरकत ना करें। मुझे यहाँ पर आई और मैंने देखा कि इस तरह से पुलिस वाले मतलब इस तरह से समझा रहे कर रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरे यहाँ करते हैं कुछ लोगों ने गलत हो रहा है, तो मतलब वो गलत नहीं था, वो सही चीजें हैं। उन्होंने जो किया वो जो बच्चे आए थे जो बाइक लेके वो जो गलती कर रहे थे उनको समझाया गया। तो मुझे मैं 2016 में मैंने ज्वाइनिंग की थी, और मैं यहाँ का माहौल बताऊँ तो यहाँ का माहौल बहुत फ्रेंकली है, और यहाँ का स्टाफ हमारा बहुत सपोर्टेड है, और हम जो भी लोग यहाँ सब लड़कियाँ मिलके काम करती हैं, कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये हम कहीं रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर गार्गी श्रीवास्तव हैं। गार्गी जी, आप इस रेस्टोरेंट में आई और आपको मालूम है ये एसिड से पीड़ित लड़कियां जो हैं इसको चला रही हैं, तो कुछ तो इमोशनल होने के नाते मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और देखिए, इनको मदद की जरूरत नहीं है, इनके अंदर बहुत साहस है, हम उनकी मदद तो कहना छोटा वर्ड हो जाएगा। मुझे लगता है कि इनके अंदर इतना साहस है, ये अपना जीवन खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर के आगे कर सकती हैं। के साथ जुड़ गए हैं शुभकांत श्रीवास्तव। शुभकांत, क्या ये पूरा मामला है ये बाइकर्स और जहाँ पे खुला हुआ है ये लैंड जो है ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उनको जो है दिया गया था, जो इससे पीड़ित लड़कियां थी। और ये मामला इसलिए गंभीर हो जाता है कि जो एसिड अटैक का जो मामला है वो देश प्रदेश में काफी जगह पे ये घटनाएं घटित हुई, और इससे जो है एक संदेश ये निकल के आया कि लोगों की किस तरह से उनकी व्यवस्था की जाए, ऐसे लोगों को उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाए जिसे कई प्रदेश की सरकारें जो है वो परेशान रही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो अखिलेश यादव ने ये लैंड जो है इन लोगों को सिर्फ इसी के लिए दिया कि ये लोग अपनी रोजी रोटी इससे कमा सकें, एक रोजगार एक व्यवसाय जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें। मामला जब कल हुआ ऐसा तो वहाँ से पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया वहाँ से गुजर रहे थे, तो बाइकर्स जो है वो काफी तादाद में थे। तो क्योंकि ये मामला इतना गंभीर था तो उनको ऐसा लगा कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और जो भी कुछ वहाँ पे बाइकर्स थे उनके ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ की गई कि आप यहाँ कैसे खड़े हैं, कैसे आप यहाँ चिल्ला रहे हैं, कैसे उधम मचा रहे हैं, और तुरंत जो है
प्रशासन की तरफ से दो पुलिस वाले वहां तैनात कर दिए गए। यहाँ पर जो बाइकर्स का हमेशा का है कि यहाँ पर आकर भीड़ लगाते हैं या यहाँ आकर शोर मचाते हैं, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर का या तो वही ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहां पर ये सभी बाइकर्स आते हैं या फिर उसके आसपास कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहां पर ये अक्सर बाइकर्स वाले जो लोग हैं वो आते होंगे, इसकी वजह से ये जो उत्पन्न हालात हुए हैं, तो क्या इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई पहल की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से? क्या मामला है आपको, किस तरह का यहाँ जो है आशंका दिख रही है? तो उन्होंने ये कहा कि ये हमेशा का मामला नहीं है, ये एकाएक यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो गए और क्योंकि कैफे के सामने ही वो लोग घुर्रन मचा रहे थे तो कहीं कहीं डरना जो है लाजमी है। तो जो वहाँ के स्टाफ थे, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क थे इस कैफे के, तो सब लोग कहीं कहीं भौंकते रह गए कि आखिर क्या है ये, कोई अपनी घटना न घट जाए। तो इसी को देखते हुए शुभका शुभकांत आप तक आवाज पहुंच रही है? इसी को देखते हुए जब पुलिस कमिश्नर द्वारा एक्शन लिया गया तो तुरंत जो है वहां पे दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए सुरक्षा के लिए, और हमने वहां के मैनेजर से भी बात किया, वहां के स्टाफ से भी बात किया, तो उन्होंने इस चीज से इनकार किया कि यहाँ प्रतिदिन ऐसा कुछ होता है, लेकिन जो घटना थी कल की वो कहीं कहीं संवेदनशील। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुभकांत। और आपको बता दें ये पूरा मामला लखनऊ से है जहां पर एसिड पीड़ित महिलाओं का जो एक रेस्टोरेंट है उसके सामने कुछ बाइकर्स स्टंटबाज अपनी जो बाइक्स हैं उनको लेकर उनके जो साउंड हैं उनके जो साइलेंसर हैं उनको चेंज करके या फिर जो महंगी बाइक है उनका इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा साउंड कर रहे थे। तो उन जो लड़कियां थी उन्हें किसी अप्रिय घटना ना घट जाए इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन को बुलाया, जिसके बाद पूरे मामले को पुलिस प्रशासन ने यहां पर आकर संभाला और सभी बाइकर्स को हिदायत दी है कि वो बेवजह आकर ना तो यहां पर शोर मचाएं और ना ही यहां पर आके खड़े हों, जिसके बाद यहां पर पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए जिससे कि आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, कोई भी बाइकर्स यहां पर आकर शोर शराबा ना करें।